हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी। ये बिना तेल के बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसे हल्का सा फ्राई कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से आप नाश्ता बनाएंगी तो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम मसूर दाल को मैंने 2 घंटा पहले पानी डालकर फूलने के लिए रख दिया था। इसे मैंने 2-3 बार पानी से भी धो लिया है। यह अच्छे से फूल चुका है। दाल को छन्नी में डाल दें ताकि सारा पानी इसका छन जाए। पानी छानने के बाद दाल को जार में डाल दें। इसमें 2 पीस हरी मिर्च डाल दें और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 6-7 पीस लहसुन के दानों को छीलकर मिला लें। इसमें पानी नहीं मिलाना है हमें। ढक्कन बंद करके इसे बारीक पीस लें। अब गैस को जलाकर इस पे पैन को रख दें। छोटे कटोरी में मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी लिया है। इसे पैन में डाल दें। इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल मिला लें, आधी चम्मच नमक मिला लें, 1/4 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाल दें और आधी चम्मच काला तिल मिला लें। जिस कटोरी से मैंने पानी डाला था उसी कटोरी से चावल का आटा लेना है। पानी भी मैंने थोड़ा सा कम लिया था, इसी तरह से चावल का आटा भी थोड़ा कम लेना है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब चावल के आटे को पानी में डाल दें। चावल के आटे को थोड़ा जल्दी जल्दी पानी में मिक्स कर लें। इस समय फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे कवर करके 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। दाल को भी पीसने के बाद मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक मिला लें। यह नमक आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाएं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती मिला लें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप तीता ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इस समय थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मिला लें। मैंने हरी मिर्च पीस लिया है इसलिए लाल मिर्च का पाउडर नहीं मिला रही हूँ। अभी इसे साइड में रख लें। अब चावल के आटे को इस प्लेट में निकाल लें। इसे हल्का गर्म में ही हमें गूंथना है। इस तरह से मसल मसल कर इसे चिकना कर लें। चावल के आटे और पानी की मात्रा को एकदम बराबर रखना है तो डो भी आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। जिस बर्तन में आपको स्टीम करने के लिए रखना है उसमें थोड़ा सा तेल लगा लें। तेल लगाकर इसे अभी साइड में रख लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा चावल का आटा लिया है। डो में से बॉल के बराबर की एक लोई ले लें। इसमें चावल का आटा लगा लें। अब इसे अच्छे से गोल बना लें। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लें। हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों, इसे हमें हल्का सा मोटा रखना है। यहाँ पे मैंने छोटा सा पानी की बोतल का ढक्कन लिया है। इसे इस पर रख कर काट लें। इसके किनारों को हटा लें। अब मसूर दाल के पेस्ट में से थोड़ा सा इसके ऊपर रख लें। दूसरे वाले पीस को इसके ऊपर रखकर हल्का सा दबा लें।
जिस बर्तन में आपको स्टीम करने के लिए रखना है उसी में इसे रखते जाएं। इधर मैंने पानी को भी गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी वाले बर्तन के ऊपर इसे रख दें। पानी में उबाल आने के बाद फ्लेम को लो कर लें। इसे कवर करके 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें। इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस समय फ्लेम को ऑफ कर दें। इसे अगर थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो तड़का लगा लें, लेकिन अगर आप तेल थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो इसे ऐसे ही इंजॉय करें। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हैं, वो बहुत पसंद करेंगे। पैन के गर्म होने पर इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, 1/4 चम्मच काली सरसों और 1/4 चम्मच सफ़ेद तिल। 2 पीस हरी मिर्च को बारीक काट कर मिला लें। बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें। थोड़ा चला लें इसे। अब इसी समय इसमें सैंडविच पिठा को मिला लें। इसका नाम मैंने खुद से सैंडविच पिठा रखा है। आप बताएं आप इसे क्या कहना पसंद करेंगे। बिहार में सर्दी के दिनों में दाल पिठा बनाया जाता है, मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा उलट पुलट करके इसे प्लेट में निकाल लें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती इसके ऊपर डाल दें। इस समय फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।